This is Mukesh from Ecademy. आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो किसकी देन था? होमी भाभा की देन था, ठीक है। इन्हीं के नाम पे जो है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है एटॉमिक पावर का इन्हीं के नाम पे है। 1954 मतलब आजादी के कुछ ही साल बाद, कुछ ही साल ही बोलेंगे, 1954 से ही हमने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर हम दो तरीके से देखें, एक हम देख सकते हैं सिविल पर्पस से और एक तरीके से देख सकते हैं डिफेंस पर्पस से। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को दो भागों में बांट देता हूं, एक है सिविल पर्पस और एक कौन सा पर्पस है आपका, डिफेंस पर्पस। डिफेंस पर्पस का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा एडवांसमेंट करना कि कोई भी देश हमारे पे आक्रमण करने से पहले सोचे। और मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी में ऑलरेडी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बता रखे हैं, जो सबसे ज्यादा ये कहता है कि हमने न्यूक्लियर वेपन इसलिए बनाए फॉर द डिटरेंस पर्पस, मतलब दूसरे लोगों को डराने के लिए, और कभी भी हम इसका फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, और जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है उनपे तो कभी भी नहीं करेंगे। तो ऐसे चार पांच चीजें जो है मैंने आपको बता दी थी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में। सिविल पर्पस का मतलब होता है कि हम इसका यूज करेंगे एनर्जी के लिए। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी बनने ही वाला है, छठे पे तो हम आ ही चुके हैं, तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। तो आज का जो लेक्चर है ज्यादातर क्या होगा हमारा, सिविल पर्पस की तरफ जाएगा और डिफेंस पर्पस की तरफ बहुत ही कम जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल पॉलिसी और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की तरफ चले जाएगा जो ऑलरेडी हमने खत्म कर रखा है। किसी भी देश में की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वहां पे एनर्जी का काम किसका काम करती है, बैकबोन का काम करती है। भारत को और जो भारत के ग्रेट साइंटिस्ट थे होमी भाभा, उनका नाम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, होमी भाभा, ठीक है। और 1954 से इन्होंने कौन सा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था इंडिया का, इनके नेतृत्व में ही न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था। तो हमारे देश को ग्रोथ के लिए हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सबका मिक्स जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें जिस पे हम बहुत कम काम करते हैं, मतलब बहुत कम एनर्जी जो है हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा जो है हम कहाँ से लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, फिर हाइड्रो पावर प्लांट से, लेकिन न्यूक्लियर में कुछ टेक्निकल इशू और रॉ मटेरियल का इशू, सबसे बड़ा इशू क्या है, रॉ मटेरियल का इशू, जिसके कारण क्या है हम इस पे, टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है हम उस पर आ चुके हैं, लेकिन क्या है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या चीज, क्या एक कमी हमारे सामने आई, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसी कारण क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने चाहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है आपका, NSG, इसकी हम क्या चाहते हैं, मेंबरशिप चाहते हैं, जिसको चाइना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तथा अन्य देश जो हैं विरोध करते हैं इसका, क्यों, भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने से उसको क्या फायदा होगा, इजीली उसको यूरेनियम मिल जाएगा, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भी उसके पास आ जाएगी, और हम अपनी इकोनॉमी तथा देश में जो वेलफेयर एक्टिविटी की सबके पास क्या है, एनर्जी, मतलब एनर्जी किस रूप में आ सकती है, वो लाइट के रूप में भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। तो इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए भी क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं होमी भाभा जी ने पहले भारत की कंडीशन को क्या करा, आइडेंटिफाई करा, तो पता चला कि भारत में यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो भारत में कुछ ही मात्रा में यूरेनियम कहीं कहीं पे, जैसे झारखंड में जादूगढ़ा हो गया, ठीक है, और कुछ जो है आपका अलग अलग राजस्थान में रोहिल हो गया, ये क्षेत्र सब मैं लिखवाऊंगा, वहां पे मिलते हैं। तो यूरेनियम की तो कमी है हमारे यहाँ, ठीक है, अब्सेंट नहीं है, लेकिन क्या है, कमी है। हमारे देश में थोरियम का रिजर्व, अगर मैं थोरियम की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम जेट कहाँ है, भारत में है, और ये कहाँ पे पड़ता है, साउथ इंडिया में, जो भारत का अगर नीचे वाला हिस्सा बनाऊ साउथ इंडिया का, तो यहाँ पे क्या, रेत में ही, जो सैंड की रेत है वहीं पे ही थोरियम रिजर्व पाए जाते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करना हालांकि अलग बात है, लेकिन थोरियम रिजर्व एरिया है ये पूरा। तो होमी भाभा जी ने सोचा
कि कुछ ऐसे तरीके का भारत का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि हम यूरेनियम की कमी हमें महसूस भी ना हो और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इन्होंने सजेस्ट करा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की ब्यूटी या खासियत जो है थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड साइकिल प्रोग्राम भी बोलते हैं। इस पे थोड़ा चीज बताता हूँ। क्लोज साइकिल प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर 3 तरह की हमारे पास अलग अलग टेक्निक से पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, मान लो जो यह है हमारा हैवी वाटर, ठीक है, ये हमारा एडवांस हैवी वाटर से बना है, एक हमारा फास्ट ब्रीडर से बना है, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं हम। अगर मैं कहूँ इसका जो एंड प्रोडक्ट है इसके काम आ जाए और इसका एंड प्रोडक्ट इसके काम आ जाए और ये हमारी साइकिल जो है क्लोज साइकिल अंदर ही अंदर बंद हो जाए, तो ऐसी चीज को बोलते हैं क्लोज साइकिल प्रोग्राम। और अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो अब मैं, अच्छा, इसमें जो मैंने बताया कि भारत में यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है U-238 ये है हमारे पास जो है 99.7% के आसपास, और U-235 ये है केवल 0.3%। मतलब पूरे वर्ल्ड का नहीं लिख रहा, मतलब भारत में पहली से जितना भी यूरेनियम है, ठीक है, उसकी परसेंटेज में अगर बात करें तो 99.7% है U-238। और यूरेनियम 238 होता है नॉन फिजाइल, ठीक है, और यूरेनियम 235 होता है फिजाइल। अब कहोगे आप ये चीज क्या होती है, अब इस चीज को समझते हैं। कोई भी एटम एलिमेंट जो भी होते हैं उसके आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ऐसी आप सोचो यूरेनियम है। यूरेनियम के 2 आइसोटोप हैं आपके पास, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 200 कौन सा वाला, 35 वाला। इसमें क्या होता है कि फिजाइल क्या होता है इसको समझते हैं। फिजाइल मटेरियल वो होता है कि जिस मटेरियल के ऊपर अगर मैं न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करूं तो वो चैन रिएक्शन प्रोड्यूस करे। हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ा था क्या, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, हिंदी में ही बोलते हैं ना, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजन होता है मतलब विखंडन होता है, यानी कि ये विखंडन क्या है, विखंडन जो होता है एक नाभिक जो है बहुत सारी चीजों में टूटता है, जब टूटता है तो एनर्जी उत्पन्न होती है, फिर ये और आगे टूटता है और एक चैन बनती जाती है, ठीक है ना। अगर कोई भी पदार्थ ऐसी चैन बना रहा है तो उस पदार्थ को बोलेंगे ये फिजाइल मटेरियल है, FISILE। और अगर वो ऐसी चैन नहीं बना रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन फिजाइल मटेरियल है। और आप दिमाग लगा के बताओ कि न्यूक्लियर पावर में हमें इतनी सारी एनर्जी उत्पन्न करनी है तो हमें फिजाइल मटेरियल की जरूरत है कि नॉन फिजाइल की, ऑब्वियस हमें किसकी जरूरत है, फिजाइल मटेरियल की। दिखने को तो यूरेनियम जितना भी है हमारे पास उसका केवल 0.3% फिजाइल मटेरियल है, और बाकी क्या है, ये एक तरीके से नॉन फिजाइल मतलब हमारे काम का मटेरियल नहीं है। यही बात किनको बताती, होमी भाभा जी को बताती। तो उन्होंने भारत का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इस तरह जो है ऑर्गेनाइज करा कि हम इस 0.3% फिजाइल से ही अपना कुछ ऐसा काम कराएं कि लास्ट में हमें क्या है, थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा है, थोरियम की आवश्यकता ज्यादा पड़ जाए और हमारी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। और इनका मॉडल वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल है। अब उस मॉडल को समझते हैं, कौन सा, 3 स्टेज मॉडल ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। समझ में आ गया कि हम 3 स्टेज पर क्यों गए, क्योंकि हमारे पास जो था वो बहुत कम है, ठीक है, फिजाइल मटेरियल बहुत कम है, थोरियम बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो थर्ड स्टेज आती है वो थोरियम बेस्ड ही आती है। तो अब हम फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। पूरा ध्यान लगाना इस स्टेज को, जिसने समझ लिया प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन सही होंगे उसके इस चैप्टर से, और मेंस में भी बहुत अच्छी वो आंसर राइटिंग करेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। शुरुआत करते हैं हम 3 स्टेजेस, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेचुरल यूरेनियम, ठीक है ना,
और नेचुरल यूरेनियम क्या मतलब, वही जिसमें केवल 0.3% ही हमारा फिसाइल है, यूरेनियम 235 के रूप में, और ज्यादातर 99.7% क्या है, यूरेनियम 238 है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जाता है किसमें, ये एक बड़ा सा बना लो बॉक्स, इसका नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और ये क्या है, ऐसे निशान बना लो, पहले इसको समझो कि पहली ये स्टेज वन चल रही है, नीचे लिख लो स्टेज वन। स्टेज वन में क्या है, कुछ पावर प्लांट हमारे क्या है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के रूप में काम करते हैं, जिसके अंदर फ्यूल कैसे कौन सा आता है, नेचुरल यूरेनियम जाता है। नेचुरल यूरेनियम में 0.3% के आसपास ही क्या, 0.7% या के आसपास ही क्या है, हमारा फिजाइल मटेरियल, बाकी 99 पॉइंट समथिंग जो है नॉन फिजाइल मटेरियल, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम से ही कौन सा चल जाता है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट स्टेज में कौन सा रिएक्टर रखा, ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की खासियत होती है कि ये नॉन फिजाइल मटेरियल पे भी काम कर जाता है, थोड़ी सी मात्रा में फिजाइल हो ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, और यही हम चाहते थे कि शुरुआत तो हमारे प्रोग्राम की हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, नॉन फिजाइल मटेरियल होने के बाद भी इसने क्या करा, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, और इसने जो अपना एंड प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जिसको एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, वो बनाता है प्लूटोनियम नाम से, प्लूटोनियम। अब प्लूटोनियम भी कौन सा है, 239 वाला प्लूटोनियम, 239, और यूरेनियम भी कौन सा होता है, डिप्लीटेड। पहले पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट से एंड प्रोडक्ट क्या निकला, डिप्लेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम। जब प्लूटोनियम 239 यूरेनियम से मिलता है, तो और ज्यादा प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस होते हैं, और प्लूटोनियम 239 जो है बहुत ज्यादा फिजाइल मटेरियल है, ये कौन सा है, फिजाइल मटेरियल है, जो बहुत ज्यादा चैन रिएक्शन करता है। और अगर इस मटेरियल का यूज हम किसमें कर दें, फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर प्लांट में, तो ये इसके फ्यूल का काम कर जाएगा, आप समझ रहे हो, इसका एंड प्रोडक्ट इसके फ्यूल का काम कर गया। और हम देखते हैं कि फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो पावर प्लांट होते हैं, उनमें क्या जाता है फ्यूल, प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्सचर, तो वही चलेगा कहाँ पे, फास्ट ब्रीडिंग प्लांट में। ठीक है, फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर में जब जो चले गया, तो लास्ट की स्टेज में, मतलब इसी के दौरान हम चाहें तो इसमें थोरियम का भी ऐड करा सकते हैं, और थोरियम का ऐड तब कराते हैं जब प्लूटोनियम बहुत ज्यादा बनने लग जाता है और एकदम स्टेबलाइज कंडीशन में आ जाता है। अब आप बोलोगे कि अगर स्टेबलाइज कंडीशन में आ गया है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है, चैन रिएक्शन बननी शुरू हो गई है, तो आपने थोरियम क्यों मिलाया, हमारे पास थोरियम का बहुत ज्यादा रिजर्व है, और इस साइकिल को हम यहीं खत्म नहीं होने देना चाहते, हम चाहते हैं ये साइकिल थोड़ी आगे और बढ़े, तो हमने बहुत ही कम मात्रा में क्या करा, इसमें थोरियम जो है ऐड करा। थोरियम के ऐड करने से जब इसका एंड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, एंड प्रोडक्ट वो मिलता है यूरोनियम 233, ठीक है, और इस यूरोनियम 233 में अगर थोरियम का ब्लैंकेट लगा दिया जाए, किसका, थोरियम का ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट का मतलब क्या हो गया, जो हम ठंड में ओढ़ते हैं, अगर ये यूरेनियम 233 है, इसके चारों ओर कवर कर दिया जाए, किसका, थोरियम का, तो उसको बोलेंगे थोरियम का ब्लैंकेट। और ये जो है फिर काम करेगा किसके लिए, फ्यूल का, जो आजकल पावर प्लांट आ रहे हैं, जिनका नाम है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। बहुत लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन समझो, अब देखो दोबारा समझाता हूं मैं। नेचुरल यूरेनियम बहुत हमने यूज करा, ठीक है, इससे हमने प्रेशराइज हैवी वाटर में यूज करा, जो एनर्जी आनी थी लाइट वाइट जो भी जलानी थी, तो यहां से हमने एनर्जी उत्पन्न कर ली, ठीक है ना।
बचा बचा जो आया यूरेनियम आया, प्लूटोनियम 239 आया। प्लूटोनियम 239 इतना ज्यादा फिसाइल था कि जो खुद रॉ मटेरियल बन गया किसका, फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का। और फिर यहाँ पे भी कुछ एनर्जी उत्पन्न होगी जिसे हमने गैदर कर ली। फिर तीसरी स्टेज में क्या करा, यूरेनियम 233 जो उसका एंड प्रोडक्ट था उसमें थोरियम का ब्लैंकेट चढ़ा के किसको दे दिया, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। तो भारत में तीन तरह के पावर प्लांट काम करते हैं, स्टेज वन ये थी, स्टेज टू ये थी, और ये थी स्टेज थ्री। स्टेज इसलिए लिखी गई, आप कहोगे तो अलग अलग तरह के पावर प्लांट है तो स्टेज क्यों लिखी, स्टेज इसलिए लिखी क्योंकि होमी भाभा जी का यही सपना था कि भारत पहले क्या करे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में अच्छी तरह सक्षम हो जाए, फिर दूसरी स्टेज में हम बनाएंगे फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जैसे कलपक्कम में हमने बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी का रॉ मटेरियल में थोरियम का ब्लैंकेट बना के तीसरी स्टेज में बनाएंगे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। और आज भारत ने तीसरी स्टेज को भी क्या कर रखा है, पूरी तरीके से फुलफिल कर लिया है। तो हम इतने एडवांस तरीके से निकल गए। अगर हम शुरू में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का यूज नहीं करते तो ना ही प्लूटोनियम आ पाता और ना ही फिर ये तीसरी स्टेज आ पाती। क्यों, क्योंकि अब आप कहोगे आपके दिमाग में कि भावा जी ने पहले याली स्टेज क्यों नहीं करी, अरे याली स्टेज के लिए तो प्लूटोनियम चाहिए, ठीक है, और प्लूटोनियम के लिए फिर से यूरेनियम चाहिए था, लेकिन हमारे पास यूरेनियम की कमी होने के कारण, स्पेशली फिजाइल मटेरियल की कमी होने के कारण हमने पहली स्टेज में कौन से डाला, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो है नेचुरल यूरेनियम में भी काम दे जाता है। और नेचुरल यूरेनियम को और ज्यादा समझना हो तो उसके आगे आगे लिख लो, इसमें क्या होता है, यूरेनियम 200 कौन सा 38 और यूरेनियम 235 होता है, यही बोला था मैंने, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। ये 99.3 कर दो 7 की जगह और ये 0.7% होता है, 0.7%। और यही क्या है, फिसाइल है, इसके आगे लिख दो फिसाइल, और ये नॉन फिसाइल है। लेकिन इससे क्या हुआ, आगे हमने फिसाइल प्लूटोनियम पा लिया और उसके बाद हमने थोरियम की ब्लैंकेट लगा के अपनी पूरी थ्री स्टेज कर दी। और देखो इसमें क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट इसके काम आ रहा है, इसका एंड प्रोडक्ट इसके काम आ रहा है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, क्लोज्ड साइकिल प्रोग्राम। अब आप कभी जीवन में भी इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं करोगे, इसके बाद भी कंफ्यूजन कर रहे हो तो कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। अब हम अलग अलग से पढ़ेंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर क्या होते हैं, और एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं। अब समझ में आ गया, इसको मैं रब करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ये सारी चीजें आपको खुद से पढ़ के समझ में शायद नहीं आती, हमारे भी पहली बार में समझ में नहीं आई थी, लेकिन हम इसके अब आदी हो चुके हैं और हम इंटरव्यू में इधर उधर बकते रहते हैं, ये तो चीजें हमें याद है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। और इन सब चीजों में पढ़ा रहा ना, इसकी टेक्निकलिटी पे नहीं जाना, न्यूज़पेपर में भी इतना ही आता है, इतना भी अगर आप समझ लोगे तो वो खूब नंबर देखो आपको चले जाएगा, वो नहीं चाहता कि आप क्या बनो एक तरीके से एकदम इंजीनियर की तरह वहां पे लैंग्वेज फेंकी, ऐसी कुछ लैंग्वेज नहीं फेंकी हमने, खाली फिसाइल। और अगर आप यूरेनियम के आइसोटोप भी नहीं लिखना चाहते हो तो भी आंसर में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, जरूरी नहीं कि अगर भूल गए कि 238 वाला था 235 वाला था, सीधे लिख दो नेचुरल यूरेनियम, सीधे लिख दो प्लूटोनियम, जरूरी नहीं है कि 239 वाला लिखो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, उन सबसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पहला पॉइंट बनाओ इसमें कि ये जो थे भारत के फर्स्ट स्टेज के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर थे। ये जो टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले हमने कहां से ली थी, कनाडा से ली थी, कनाडा की सहायता से हमने क्या करा, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पे हमने काम करना शुरू करा और सबसे पहले यही बने थे। तो मतलब 1954 से हमने टेक्नोलॉजी कनाडा से लेनी शुरू कर दी थी। ये जो होते हैं मोर सेफ कहलाए जाते हैं देन अदर, मोर सेफ देन अदर्स। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोई घटना आपने सुनी है, जैसे फुकुशिमा में थी, चेर्नोबिल में थी, ठीक है, तो ये सब जो है आए दिन जो है आप 10-5 साल में सुनते रहते हो, लेकिन भारत में बहुत कम सुनते हैं क्योंकि भारत ने अपनी शुरुआत ही किससे करी थी,
प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से, जो वन ऑफ द सेफेस्ट जो है रिएक्टर पूरे वर्ल्ड के माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, चौथा पॉइंट कि इसका रॉ मटेरियल क्या था इसमें, ये यूरेनियम को एज ए फ्यूल लेता था। तो बड़ा वाला लिख दो, यूरेनियम एज ए फ्यूल। और हमें तो पता है यूरेनियम में भी कौन सा, अगर वो नहीं भी पता है तो आप यूरेनियम लिख दो। फिर दोबारा बता देता हूँ, यूरेनियम कौन कौन सा था, 38 वाला और 238 वाला, 235 वाला फिजाइल था, 235 वाला, 238 वाला फिजाइल नहीं था। और भारत में ज्यादातर मात्रा में नॉन फिजाइल है, 0.7% ही फिजाइल है। तो वो चीज आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। हैवी वाटर जो नाम है, तो इसमें क्या होगा, कूलेंट कौन यूज होता हैवी वाटर, तो इसमें D2O बोलते हैं हैवी वाटर को, D2O एज ए कूलेंट एंड मॉडरेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि हैवी वाटर किस तरीके से काम करता है। पहला ऑप्शन दिया था कूलेंट, दूसरा मॉडरेटर, तीसरा बोथ। तो बोथ आंसर इसलिए होता है क्योंकि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में भारी जल D2O जो होता है कूलेंट का भी काम करता है और मॉडरेटर का भी काम करता है। और भारत सरकार ने एक साल पहले ही रिसेंटली जो है 10 नए 10 न्यू प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को क्या की थी, मंजूरी दी थी। तो वो भी आपको करंट अफेयर में लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कौन सा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पहला पॉइंट क्या है कि ये हमारे सेकंड स्टेज के हैं। कुछ लोग इसको, जिनको पता नहीं होता, तो उसने फास्ट ब्रीडिंग है, कल पक्कम में खुला है, ठीक है, जो जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तीसरी स्टेज में होगा। तीसरी स्टेज में ये नहीं है, तीसरी स्टेज में क्या है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर होता है। तो इसीलिए मैंने आपका सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। तो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो है सेकेंड स्टेज का है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखो कि ये जो कंज्यूम करते हैं उससे दुगना प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हाट दे कंज्यूम एंड प्रोड्यूस डबल देन दी कंज्यूम्ड अमाउंट। ठीक है, कि जितना भी इन्होंने कंज्यूम किया उसका डबल क्या है, प्रोड्यूस किया। अपने सेंटेंस में आप खुद लिख दोगे, यहाँ पे मैं ग्रामर अभी देख नहीं रहा हूं। तीसरा जो है फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की खासियत यह है कि इसमें फ्यूल का यूज होता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फ्यूल होता था यूरेनियम। अब याद करो सेकंड स्टेज में क्या होता था, मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड होती थी। तो यहाँ पे लिख दो मिक्स ऑक्साइड। अब आप कहोगे मिक्स ऑक्साइड अचानक क्या आ गई, कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिक्सचर को ही मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम। याद है डिप्लीटेड यूरेनियम आया था, फिर उसमें प्लूटोनियम आ गया था, वही क्या बन गया था, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर का फ्यूल बन गया था। तो यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम मतलब मिक्स ऑक्साइड। इसमें कूलेंट जो होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होता है लिक्विड अमोनिया एज ए कूलेंट, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। और इसमें बोरॉन जो है होता है वो मॉडरेटर का काम करता है। अगला पॉइंट लिख दो, बोरॉन की छड़े होती हैं, बोरॉन एज मॉडरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। अब हमारा तीसरा बचा कौन सा, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। तो उसको हम यहां पे लिख देते हैं, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जो है पहला पॉइंट का क्या बनेगा, ये आपकी तीसरी स्टेज का है। दूसरा पॉइंट बनेगा क्या इसका फ्यूल, इसका फ्यूल क्या होता था, थोरियम। और थोरियम की भारत में बहुत ज्यादा मात्रा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब हम जो भी रिएक्टर बनाए ज्यादातर क्या बनाए, थोरियम बेस्ड बनाए, क्योंकि हमने इतनी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर चुके हैं कि हम थोरियम पे काम करते हैं। पूरे अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करूं थोरियम के बारे में, बहुत कम लोग क्या कहते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, या इसका यूज इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे यूरेनियम का जो ट्रेड होता है, यूरेनियम और थोरियम को आपको एक्सट्रैक्ट करके
कमर्शियल लेवल पे यूज करना थोड़ा क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है यूरेनियम की तुलना में। तो ये पॉइंट और है कि जिससे कि लोग क्या करते हैं, डिग्रेड कर रहे हैं थोरियम के यूज को, यूरेनियम सस्ता होने के कारण। इसका फ्यूल ये हो गया, ठीक है ना। और ये है तीसरी स्टेज का, ठीक है। उससे ज्यादा जो है इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, तो हैवी वाटर आ गया तो कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का काम करेगा, वो सब आप चीज लिख लोगे। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, हमारे पावर प्लांट 3 स्टेज में बने और कैसे इनको क्लोज साइकिल बोलते हैं, क्योंकि एक का फ्यूल किसके फ्यूल में काम आता है, ठीक है। एक का एंड प्रोडक्ट दूसरे का फ्यूल, उसका एंड प्रोडक्ट तीसरे का, और ये कैसे चलता है, पहले आप ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, ठीक है। उल्टा सीधा मत कर देना, तो फिर क्लोज साइकिल नहीं कहलाएगा। पढ़ने वालों को सब पता होता है कि पहले भारत में कौन सा आया था। तो अब हम इसको रब करते हैं और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटी है या कौन कौन से ग्रुप है, इनको भी इसी चैप्टर में हम खत्म कर देते हैं। इसमें वासेडार एग्रीमेंट का नाम सुना होगा आपने, भारत भी इसका सदस्य बन चुका है। वासेनार एग्रीमेंट, वासेनार एग्रीमेंट क्या करता है, ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड्स और ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन, इनके निर्यात को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब जो वासेनार ग्रुप के मेंबर हैं वही आपस में निर्यात आयात कर सकते हैं इन सब चीजों का, अगर और कोई देश कर सकता है करता है तो उस पे प्रतिबंध लगाते हैं। तो वासेनार एग्रीमेंट जो है किस पे काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल, नॉन नी कन्वेंशनल वेपन, और दूसरा ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, इन चीजों पे काम करता है कौन, वासेनार एग्रीमेंट, और भारत इसका सदस्य बनना हुआ है। एक तीर इधर लगाओ, इधर लिखो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या करता है आपका, ये जो करता है कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स का। तो बड़ा बड़ा यहां पे लिख दो, कंट्रोल दी एक्सपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन, ठीक है। और कौन सा है भाई न्यूक्लियर से रिलेटेड अगला ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, ठीक है। और भारत का सदस्य नहीं है। ये क्या करता है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, इन सबके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है अमंग्स इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को ही टेक्नोलॉजी तथा एक्सपोर्ट इन सबको नियंत्रित करता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, सप्लाई करना मतलब यही जो NSG का सदस्य है वही क्या कर सकता है, यूरेनियम का सप्लाई कर सकता है, ऐसा ये माना जाता है। इसमें चाइना, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सब हमारे खिलाफ रहते हैं, बाकी लगभग सारे देश चाहते हैं कि भारत जो है इसका मेंबर बने। और ये चाइना जो है भारत का विरोध इसलिए करता है, वो कहता है पहले भारत जो है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी NPT को साइन करे, तभी आप इस चीज का मेंबर बन सकते हो। NPT क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी, अभी हम थोड़े और ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अगला एक जो है ये तो हर किसी ने सुना होगा, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये इसका एरिया कहां पे काम करता है, ऐसी मिसाइल और अनमैंड एरियल व्हीकल जो 300 किलोमीटर से ज्यादा जिनकी क्या है क्षमता है टारगेट कर सकते हैं, और उनका वेट 500 kg से अगर ज्यादा है तो MTCR का मेंबर होना पड़ेगा, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी किसी देश को देनी है। सिंपल सा सोचो, अगर ब्रह्मोस नाम की मिसाइल हमें किसी बांग्लादेश या किसी को देनी है, एक्सपोर्ट करनी है,
अगर हम MTCR के मेंबर हैं तभी दे सकते हैं, क्योंकि वो 500 kg वाले को भी क्रॉस करती है और 300 वाले को भी क्रॉस करती है, ठीक है ना। अगर इससे कम है तो दो देश आपस में इसका क्या कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। अब जब MTCR की वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे क्या लिखा होगा, एटलीस्ट 300 किलोमीटर, एटलीस्ट 500 किलोमीटर। अगर इसको दूसरे तरीके से समझें तो इसको ये भी कह सकते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 300 किलोमीटर से ऊपर काम करता है। तो मैंने सीधे लिख दिया 300 किलोमीटर से ऊपर और 500 kg से ऊपर, तो वहां कंफ्यूजन मत करिएगा। तो MTCR, NSG, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप और वासेनार एग्रीमेंट, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम कुछ ट्रीटी पढ़ेंगे, जैसे CTBT का नाम सुना होगा आपने, NPT का नाम सुना होगा, FSI का नाम सुना होगा, WNSS का नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना होगा, एक CTBT का ही नाम आपने सुना होगा और न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी NPT का नाम सुना होगा, बाकी का नाम नहीं सुना होगा। तो अब उनको देखते हैं वो चीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आंसर राइटिंग के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल बैन ट्रीटी, PBT। पार्शियल बैन ट्रीटी कहती है, इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है, ये कहती है कि कोई भी देश नई, ठीक है ना, न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको नहीं बनाएगा, लेकिन उसको अपडेट कर सकता है जो उसके पास पुराना स्टॉक पहले से ही है, ठीक है। तो पार्शियल बैन ट्रीटी कहता है नो न्यू बट अपग्रेड दी ओल्डर वन, ठीक है, बाकी आप समझ जाना। पहली ट्रीटी पार्शियल बैंड ट्रीटी PBT, दूसरी ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT। CTBT में पहला शब्द लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आप ना कि स्पेस में, ना ही स्काई में, ना ही लैंड में, ना ही अंडरग्राउंड और ना ही कंप्यूटर सिमुलेशन कर सकते हो किसी का न्यूक्लियर टेस्ट का, ठीक है। तो ये हर तरीके से बैन करता है न्यूक्लियर टेस्ट को, ना ही आप स्पेस में कर सकते हो, ना ही स्काई में कर सकते हो, ना ही लैंड पे कर सकते हो, ना ही अंडरग्राउंड कर सकते हो, ठीक है, और ना ही कंप्यूटर सिमुलेशन मतलब कंप्यूटर बनाने की कुछ मॉडल सोच सकते हो, सब तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव बैंड है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दो बैंड। तो ये होगा CTBT। भारत ने CTBT साइन किए हैं या नहीं किए हैं, कृपया करके ग्रुप में मेरे को बताना, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम NPT। NPT, NPT क्या है, NPT है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफिकेशन ट्रीटी, ठीक है, स्पेलिंग खुद लिख लेना, PLIFERATAION, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफिकेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी कहती है कि कोई नया एक्युमुलेशन फिसाइल मटेरियल का कोई भी कंट्री जो है नहीं करेगी। तो इसके आगे लिख दो बड़ा बड़ा, नो न्यू एक्यूमुलेशन ऑफ फिसाइल मटेरियल, ठीक है, फिसाइल मटेरियल क्या होता है ऑलरेडी आपको पता रखा है। तो भारत जो है NPT का हमेशा विरोध करता है, और यही NPT के लिए चाइना बोलता है कि भारत पहले NPT की सदस्यता ले तो हम उसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आने देंगे। अर्थात चाइना चाहता है कि भारत कोई भी नया एक्युमुलेशन नहीं करे। तो याद रखना इसमें न्यू एक्युमुलेशन के लिए मना कर रखा है। तो अगर कोई भी देश अगर चाहे कि हम अपनी एनर्जी कंट्री को एनर्जी रिच करना चाहे और न्यूक्लियर पे काम करना चाहे तो चाइना नहीं चाहता कि वो काम करे, समझ रहे हो ना। इसीलिए चाइना किसका विरोध करता है कि NSG में आना है तो पहले NPT को लेना है, और भारत जो है उसने साफ मना कर रखा है कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है। अर्थात जो लोगों ने पहले से ही फिसाइल मटेरियल गैदर कर रखे उनका क्या, या तो पहले वो खत्म करें, और आप हम जैसे देशों को जिसको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, और हमारा न्यूक्लियर जो डॉक्टर आने वो साफ कहता है कि हम डिटरेंट पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, और आप हमें नया एक्युमुलेशन करने से मना क्यों कर रहे हो। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, आंसर राइटिंग में लिखना जो मैंने बोला। अब अगली ट्रीटी उसके बाद हम पढ़ते हैं फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, फिसाइल
मटेरियल, फिसाइल, मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। अब इस ट्रीटी का मतलब है कि किसी देश के पास जितने भी फिसाइल मटेरियल हैं पास्ट के, प्रेजेंट के, सबको नष्ट कर दो, सबको क्या कर दो, जीरो कर दो। तो इसके आगे लिख दो ऑल गैदर्ड फिसाइल मटेरियल शुड बी कितना बन जाइए, जीरो, बड़ा बड़ा लिख दो जीरो। और ऐसा तो कोई देश करेगा नहीं, इसलिए ये ट्रीटी कभी क्या हुई, सामने प्रैक्टिकल में आई नहीं पाई। चाइना ने भी विरोध करा, अमेरिका ने भी विरोध करा, और इंडिया तो करेगा करेगा, सब देश कहते हैं पहले तुम करो पहले तुम करो, इसलिए ये ट्रीटी कभी भी जो है प्रैक्टिकल रूप में सामने आई ही नहीं। अब ये ट्रीटी पढ़ ली, अब एक दो ट्रीटी और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब कोई ट्रीटी तो बची नहीं है, अब हम देखते हैं। वानों का नाम सुना है आप लोगों ने, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वानों क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर न्यूक्लियर ऑपरेटर, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर ऑपरेटर मतलब कंट्रीज के बारे में सीधे बोल रहा है कि जो जो वर्ल्ड कंट्री है आपस में एसोसिएशन बना के रखती हैं और एक दूसरे को क्या करती हैं, टेक्नोलॉजी का क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। एक तरीके से ये इनफॉर्मल ग्रुप है, क्या है ये, इनफॉर्मल ग्रुप है, और असिस्ट करते हैं एक दूसरे के मेंबर को इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। अब आपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, वीना में है। वर्ल्ड में जो जो कंट्री जिनके पास क्या है, फिसाइल मटेरियल है, और या वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट को या न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल पर्पस या मिलिट्री पर्पस या डिफेंस पर्पस के यूज कर रहे हैं, उन सब का नियंत्रण करती है। वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है सब पे जाके इंस्पेक्शन करती है कि वहां पे क्वालिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, और सारे जो हैजार्ड एनालिसिस जो है वो सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कौन डिसाइड करती है, IAEA। और किसी कोई कंट्री अगर छुप के कोई न्यूक्लियर पावर एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसपे सैंक्शन लगवाती है, किसके थ्रू, यूएन के थ्रू। तो ये किसके अंदर काम करती है, यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है। ईरान में जितना भी हमने देखा था कि वहां P5+1 ये सारे ग्रुप आए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है जितने भी है खत्म कर दे, और एक दो चले वो भी किसकी सर्विलेंस में चले, IAEA की ही सर्विलेंस में चले, ठीक है। तो यहाँ पे यह है, इस एजेंसी का नाम आप कभी भी लिख सकते हो, जो सारे पावर प्लांट है न्यूक्लियर उनका सर्विलेंस करती है। हाल ही में करंट अफेयर में हमने कुछ यूरेनियम बैंक के बारे में पढ़ा था, यूरेनियम बैंक वो भी इसी के अंडर में बनी है, ठीक है। यूरेनियम बैंक क्या करेगा, सदस्यों को कैसे, किस स्थान पे बनी है, सदस्यों क्या करेगा, ये सब मैंने करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो प्लीज वहां से इस चैप्टर में यूरेनियम बैंक को भी ऐड कर देना। तो यहाँ पे हमने इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पास्ट की ट्रीटी जो है हमने पढ़ी। अब रिसेंट जो है हर 2 साल में एक एक जो है समिट होती है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, और ये हर दूसरे साल में होती है। तो जो रिसेंट होगी उसका आउटकम आपको करंट अफेयर में बता दिया जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है हमेशा के लिए हम क्लोज कर देंगे। इससे ज्यादा हम न्यूक्लियर में नहीं पढ़ेंगे, इतने से हमारे सारे आंसर आसानी से बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।